जैसा कि नाम से ही चरितार्थ है कि जहां हरि का हुआ आना वो धरती है हरियाणा। हरियाणा हरा भरा और हरियाली का प्रतीक है, वही सबसे शांत और धार्मिक प्रदेश अगर कोई कहा जाए तो वो हरियाणा ही है। और यहाँ का हर गांव अपने आप में अलग अलग इतिहास छुपाए हुए है। उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई आकर्षण का केंद्र है तो वो है धार्मिक इतिहास। आज आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अगरोहा शहर में। अग्रवाल समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल अगरोहा धाम राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 पर औद्योगिक नगरी हिसार से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि अगरोहा कभी देश की आर्थिक राजधानी भी रहा है। अगरोहा धाम का जो मुख्य द्वार है वो अपने आप में बहुत ही रहस्य छुपाए हुए है, या यूं कहें कि अपने आप में आश्चर्यजनक है। हरियाणा के अंदर किसी भी धार्मिक स्थल का मुख्य द्वार इतना विशालकाय व मजबूत नहीं है। मुख्य द्वार के ऊपर छोटे छोटे झांकी नुमा दृश्य हैं। अंदर महाराज अग्रसेन जी विराजमान हैं और आसपास में उनके जो उस समय के राजर्षि दासी और दास हुआ करते थे उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। जैसे ही हम मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो वहां गेट लगा हुआ है, जो मुख्य दरवाजा है, वो बहुत ही मजबूत है, जैसे पुरातन समय में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महलों के होता था। जो मुख्य द्वार के अंदर जाने का रास्ता है उस पर बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं जिन पर बहुत गजब की मीनाकारी की गई है। उस समय के ठाट बाट और नौकरशाही व उस समय की राज्य व्यवस्था में अहम स्थान रखने वाले दास दासियों का शारीरिक चित्रण इतनी बारीकी से किया गया है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक बारगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पुरातन समय की साक्षी अजंता एलोरा की गुफाएं देख रहे हैं। ये तो अभी मुख्य द्वार की बात हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब अंदर जाएंगे तो और भी विशालकाय और भव्य मंदिर हैं। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हर संभव कोशिश की गई है और उसमें ट्रस्ट सफल भी है। यहाँ हर वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन विशाल कुंभ मेला लगता है जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी अग्रवाल समाज से व अन्य धर्म संप्रदायों से जुड़े लोग शिरकत करते हैं। तीन विशालकाय बड़े बड़े गगन चुंबी गुंबद आपकी उत्सुकता को ऊंचाई की उड़ान देते प्रतीत होते हैं। ऐसे विशालकाय गुंबद आपने दक्षिण भारत की फिल्मों के अंदर ही देखे होंगे और मुख्य धाम के अंदर जाने वाली सीढ़ियों के दोनों छोर पर बनी हाथियों की संगमरमर की मूर्तियां और उनके ऊपर बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए प्राचीन समय की वेशभूषा में दो राजदरबारी दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही प्रसाद व अन्य जरूरी सामान की छोटी सी मार्केट बनी हुई है। सीढ़ियों के साथ में बने झरने और उन पर पानी के मटके लिए बैठी गुजरियां सबका मन मोह लेती हैं। अगर मैं बात करूं मुख्य द्वार के ऊपर बने विशालकाय महाभारत कालीन बहुत ही सुंदर प्रतिमा की, जिसमें श्री कृष्ण जी रथ के ऊपर खड़े अर्जुन को गीता का उपदेश देते नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में मन मोह लेने वाला दृश्य है। मुख्य तीनों गुंबदों की ऊंचाई 180 फुट है। इनके ऊपर बहुत ही सुंदर वास्तुकला का नमूना देखने को मिलता है। इनके ऊपर श्री गणेश, महालक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं के सुंदर सुंदर चित्रण बने हुए दिखाई देंगे। इसके साथ नंदी और शेर की प्रतिमाएं भी दिखेंगी। इसके साथ अगर मैं बात करूं इस मंदिर परिसर के इतिहास की तो इस मंदिर का शुभारंभ शरद पूर्णिमा के दिन 28 अक्टूबर 1985 को किया गया और 1993 में शरद पूर्णिमा के दिन ही इसे आम जनमानस के लिए दर्शनों हेतु खोला गया।
गुंबदों के ऊपर जो कलश बने हैं वो शुद्ध चांदी के बने हैं और उनके ऊपर स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। यात्रा पर आने वाले परिवारों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ काफी बड़े क्षेत्र में एक अप्पू घर बनाया गया है जहाँ पर बच्चे साइकिलिंग, ब्रेक डांस, ड्रैगन राइड और मिनी ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। आइए आपको अप्पू घर की यात्रा करवाते हैं। आए दिन यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर नाम मात्र की टिकट के अंदर आप हर प्रकार के झूलों और राइड का मजा ले सकते हैं। ये देखिए ड्रैगन राइड का किस तरह से पर्यटक आनंद ले रहे हैं। ये साइकिलिंग राइड है जिसका लुफ्त बच्चों के साथ साथ बड़े भी उठा सकते हैं। ये अत्यंत रोमांचित कर देने वाली राइड है। यहाँ पास में ही बहुत ही सुंदर कृत्रिम तालाब बनाया गया है जिसके अंदर बच्चे नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। देखिए बच्चे किस तरह से इन लम्हों का आनंद उठा रहे हैं। अब दिखाते हैं मिनी ट्रेन। मिनी ट्रेन हेतु काफी बड़े क्षेत्र में पटरी बिछाई गई है। इसके साथ ही कई प्रकार के झूले बने हुए हैं जिनके ऊपर पर्यटक हंसी खुशी से आनंद लेते नजर आते हैं। छोटे बच्चों हेतु यहाँ पर मिकी माउस बाउंसी सेटअप भी किया गया है और साथ में इलेक्ट्रिक रिमोट चलित जीप गाड़ियां और बाइक भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे बच्चे बैठकर ड्राइव का आनंद ले सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर बनी गगन चुंबी विशालकाय श्री बजरंग बली की 90 फुट ऊंची प्रतिमा अपने आप में बहुत ही गरिमापूर्ण प्रस्तुति है। यहाँ तक कि जब आप मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग से आ रहे होते हैं तो ये दूर से ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है। बजरंग बली के पावन चरणों में आपको वानर बैठे दिखाई देंगे। इस मूर्ति की स्थापना ऊंची पर्वतनुमा जगह पर बनाकर की गई है। इसके नीचे श्री बजरंग बली का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था है व यात्रियों के ठहरने हेतु कई विशाल भवन बने हुए हैं। मंदिर परिसर के अंदर बने एक पार्क के साथ यहाँ पर डायनासोर और वानरों की लड़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि घना और गहरा जंगल भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो इस मंदिर परिसर के बाहर के दृश्यों की है। अब तक की वीडियो में आपने अग्रोहा धाम यात्रा भाग एक देखा है। अग्रोहा धाम यात्रा भाग दो में मंदिर के परिसर की तमाम गुफाओं, पूजा स्थल और 12 शिवलिंग दर्शन सहित अन्य जानकारी देखने को मिलेगी। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।